नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जियोग्राफी पर आधारित लेकर आए हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, विश्व में या विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों उत्तर है वान झील। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो उत्तर है टिटिकाका झील। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, करल सागर झील किस देश में स्थित है? दोस्तों करल सागर झील कजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, क्रा नहर किस देश में स्थित है? क्रा नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। अगला प्रश्न है, फंडी की खाड़ी किस स्थान पर या किस देश में स्थित है? दोस्तों फंडी की खाड़ी कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न, अर्धदैनिक ज्वार भाटा कितने समय के बाद आता है? दोस्तों अर्धसैनिक ज्वार भाटा 2 घंटे 26 मिनट के बाद आता रहता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कब आता है? तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन आता है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी है? दोस्तों फ्यूजीयामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। अगला प्रश्न, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है स्ट्रांबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी सिसली द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, विस्वत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों विस्वत ज्वालामुखी इटली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने ज्वार भाटा से संबंधित प्रगामी तरंग का सिद्धांत बनाया था? दोस्तों ज्वार भाटे से संबंधित प्रगामी तरंग का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक विलियम वेवेल थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी है डेल ओजस डेल साला ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है? सही उत्तर है चंद्रमा से। महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटा सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े ज्वार भाटों की उत्पत्ति किस कारण से होती है? उत्तर है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल के कारण सबसे बड़े ज्वार भाटों या ज्वारों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ज्वालामुखियों में उद्गार होते हैं? तो सही उत्तर है जागृत, यानी जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनमें उद्गार होते रहते हैं। उद्गार होते रहते का मतलब वे फटते रहते हैं। विश्व का कौन सा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है? तो दोस्तों विश्व का शांत ज्वालामुखी है एकांक गोवा ज्वालामुखी।
वह ज्वालामुखी जिसमें कभी उद्गार ना हुआ हो क्या कहलाता है? दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी को जिसमें कभी उद्गार या जो कभी नहीं फटा हो उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच निकटतम बिंदु पर पहुंच जाती है उस दौरान आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच निकटतम बिंदु पर पहुंच जाती है तो उस दौरान आने वाले ज्वार को सर्वोच्च ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दैनिक ज्वार भाटे के बीच कितना समय अंतर होता है? दोस्तों, दैनिक ज्वार भाटे के बीच में 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भूगोल का जनक मैगस्तनीज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जो ग्रैफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, एच बैरोज को मानव भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर है, पैसेल को। अगला प्रश्न, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन वारेनियस ने कहा था। अगला प्रश्न, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सही उत्तर है, कॉपर निकस को। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा कौन सी है? दोस्तों, पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा होती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा पर दोपहर के समय जब सूर्य लंबवत चमकता है तो वह घटना कहलाती है? उत्तर है, जून संक्रांति। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं? दोस्तों, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में भारत को कहाँ विभाजित करते हैं? दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत में एक दूसरे को गंगा के मैदान एवं दक्षिण में डेक्कन के पठार में क्रॉस करते हैं या विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही सब्सक्राइब के लाल बटन के सामने दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे चैनल के टच में बने रहें। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को अगर आपको परीक्षा उपयोगी लगे तो। अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस परीक्षा उपयोगी वीडियोज का लाभ उठा सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, अरब सागर का भारतीय नाम क्या है? दोस्तों, अरब सागर का भारतीय नाम है सिंधु सागर। अगला प्रश्न, अरब सागर की अधिकतम चौड़ाई लगभग कितनी है? दोस्तों, अरब सागर की चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर या 1500 मील है। अरब सागर की अधिकतम चौड़ाई लगभग 2400 किलोमीटर या 1500 मील है। अगला प्रश्न, अरब सागर लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? दोस्तों, अरब सागर लगभग 38,62,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, भारत की कौन कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती हैं? तो दोस्तों, भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस छोर को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, दक्षिणतम छोर को भारत के दक्षिणतम छोर को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा
नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा पॉइंट भारत के किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भारत के लक्षद्वीप में स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को भारत में पहले किस नाम से जाना जाता था? भारत में इंदिरा पॉइंट को पहले पिग मालियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नामों से जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अनाई मुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? प्रसिद्ध अनाई मुडी चोटी की ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न, अनाई मुडी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, अनाई मुडी पर्वत चोटी भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो भारत का सर्वाधिक ऊंचा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के किस पर्वत श्रृंखला में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत की पूर्वोत्तर कराकोरम पर्वतमाला श्रृंखला में आता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम है पीर पंजाल रेल सुरंग। अगला प्रश्न, पीर पंजाल रेल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पीर पंजाल रेल सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल रेल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, पीर पंजाल रेल जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, कि लंबाई 11,215 किलोमीटर या 7 मील के लगभग है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल रेल सुरंग का निर्माण कब पूरा हुआ था? दोस्तों, पीर पंजाल रेल सुरंग का निर्माण 26 जून 2013 को पूरा हुआ था। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर स्थित पीर पंजाल रेल सुरंग में रेल सेवाएं कब से शुरू की गई थी? दोस्तों, पीर पंजाल रेल सुरंग में रेल सेवाएं 27 जून 2013 से शुरू कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के किस घाट पर स्थित है? दोस्तों, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नीलगिरी पर्वत या पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियाँ या पर्वतमाला का इतिहास कब से शुरू होता है? सही उत्तर है, नीलगिरी पहाड़ियाँ या पर्वतमालों का इतिहास 11वीं और 12वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, अरावली की पहाड़ियाँ या पर्वतमाला का इतिहास कब से शुरू होता है? अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं का इतिहास 11वीं और 12वीं शताब्दी से ही शुरू होता है। अगला प्रश्न, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न, अरावली की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी भाग या पश्चिमी घाट में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन श्रृंखला पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की तरफ कितने भागों में बांटती है? सही उत्तर है, 2 भागों में। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा स्थान मरुस्थल की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत में जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है, को मरुस्थल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो उत्तर है लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही उत्तर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए उंगली नुमा झीलों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, उत्तर है वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व में स्थित समुद्र तट